खूब आभार कि आप हमारा इन्विटेशन ने माना, आपने आ जाइए उपस्थित छो। सो वधारे बात ना करता हूँ, हमारा जो मार्केटिंग हेड से हमने हैंड ओवर करूँ छू। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस रीमा माने फॉर दैट। सो थैंक यू। Thank you. My name is Seema Mane, as my colleague said. So on behalf of ICICI Lombard, we welcome you all for this press meet. As one of the leading general insurance company in India, it is our constant effort to come up with a customer-centric product and which caters to maximum population across India. So today also, we are all gathered here to announce or introduce you a AI-powered healthcare product which is revolutionary. So with further ado, I request Mr. Ashish Gupta, who is the Deputy Vice President, Health Agency, ICICI Lombard, to take you through our revolutionary healthcare product which we have recently launched. So welcome Ashish, and over to you. Thanks, Reema. Hi, good morning. So once again, welcome to all our media partners and friends. So we are here to, you know, gather to discuss about the one of the biggest product, revolutionary product, which is, you know, based on the AI. So let's start the presentation. Let's see what we have. तो थोड़ा हम बात करेंगे जीआई इंडस्ट्री कैसा है, की ट्रेंड्स क्या चल रहा है, ICICI Lombard के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री कैसे चल रही है, क्या ओवरव्यू है उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे, एंड देन जो हम हमारा न्यू सॉल्यूशन लेकर के आए हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। सो थोड़ी जर्नी हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है हम लोगों के लिए कि फ्रॉम लास्ट 2001 इंडस्ट्री कैसे चल रही है, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो यदि आप देखेंगे तो 2001 में हमारी इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, जो 2024 में करीबन 3,00,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो चुकी है आज के डेट में। यदि आप एज मतलब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन की बात करेंगे, यानी कि इंडस्ट्री में माइलस्टोन क्या है, मेजर माइलस्टोन, तो 2000 में प्राइवेटाइजेशन हुआ, देन 2007 में डी टैरिफिंग हुई है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी अपना प्राइस को डिसाइड कर सकती थी, फिर पीओएसपी का जो एक नया डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट आईडीएन अलाउ किया, फिर 2017 में आप देखेंगे तो ICICI Lombard की लिस्टिंग हुई, दैट इज द मेजर माइलस्टोन फॉर ICICI Lombard। देन कोविड आया, एंड कोविड आने के बाद आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजें बदल गई, तो इसका इंश्योरेंस में भी काफी इम्पैक्ट रहा और अदर पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। देन 2021 में यूज एंड फाइल गाइडलाइन आया आईडीए के तरफ से, जिसने फर्दर इंश्योरेंस कंपनी को और भी फ्लेक्सिबिलिटी दी टू, यू नो, कस्टमाइज द प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। फिर हेल्थ इंश्योरेंस जो है 2022 में सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया, सबसे पहले मोटर इंश्योरेंस का सबसे बड़ा सेगमेंट होता था, नाउ अभी 2022 में हेल्थ इंश्योरेंस जो है लार्जेस्ट मार्केट शेयर हो गया है। फिर 2022 में सीए गाइडलाइन आया, जहां पे पूरा ओपन आर्किटेक्चर हो गया हमारा, सारी इंश्योरेंस मतलब कॉर्पोरेट एजेंसी में नॉन एजेंसियां ले सकते हैं, जो कि पहले रिस्ट्रिक्टेड था। फिर नया हेल्थ सर्कुलर मास्टर आया अगेन, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द आईआईटी, जहां पे बहुत सारे जो ट्रेडिशनल चीजें थी उसको बदली गई। जैसे कि मैंने बोला था 3,00,000 करोड़ की इंडस्ट्री हो गई है आज के डेट में। सो ये पूरी एक जर्नी है कि कैसे इंडस्ट्री बढ़ी है। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मार्केट है एशिया और 15 ग्लोबली, पॉपुलेशन वाइज तो वो इक्वेशन कम है, बट अदरवाइज देखेंगे तो अगेन लार्जेस्ट मार्केट एशिया में है, फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट। जीआई पेनिट्रेशन अभी भी बहुत ही लोवेस्ट है, ग्लोबल एवरेज 4% पे चल रहा है, जहां पर इंडिया 1% पे है। 30 करोड़ पॉलिसीज आर इश्यूड बाय जीआई सेक्टर, मतलब लास्ट ईयर का भी देखेंगे तो 30 करोड़ से ऊपर की 30 करोड़ पॉलिसी हमने इशू किया है एज ए इंडस्ट्री।
प्राइवेट इंश्योरेंस जो है वो लीड कर रहे हैं पूरे ग्रोथ में इस सेक्टर पे। तो इंडस्ट्री की जनरल इंश्योरेंस की बात करें ना तो लार्जली इट इज डोमिनेटेड बाय मोटर एंड हेल्थ सेगमेंट। सो पहले मोटर होता था, अभी ना अभी वो हेल्थ हो गया है। 37% हेल्थ का मार्केट जो पूरा ओवरऑल बिजनेस है उसमें 37% इज हेल्थ ओनली। रिटेल हेल्थ पीए एंड ट्रेवल जो है 45% ऑफ हेल्थ सेगमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। फायर इंजीनियरिंग सेगमेंट जो है वो कमर्शियल लाइन में 50% है। बट अगेन यदि मैं बोलूं तो इंडिया में जो है अभी भी ना प्रोटेक्शन गैप जो है वो सबसे ज्यादा है। सो यहाँ पे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वेयर इट इज प्लेस्ड, यदि ये हमारे पब्लिश नंबर है, इसमें करीबन 25 लाख करोड़ की कंपनी हो गई है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। हमारा 19 करोड़ का पैट है एंड वी हैव इशूड 3.62 करोड़ पॉलिसीज लास्ट ईयर एंड 29 लाख क्लेम वी हैव सेटल्ड। ब्रांच प्रोजेक्ट की बात करूँ तो हमारे 312 ब्रांचेज हैं और 917 वर्चुअल ऑफिसेज हैं। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा आई टेक केयर ऐप है जिसका डाउनलोड 93 लाख प्लस है। तो एज अ कंपनी अभी आप देखेंगे ना तो हमारा प्रोडक्ट सेगमेंट जो है जैसे हमने हेल्थ की बात करी, मोटर की बात करी, फायर है, मरीन है, तो प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज भी आप देखेंगे ना तो लार्जली वी आर प्लेस नंबर वन और नंबर टू इन द इंडस्ट्री। तो सेगमेंट वाइज कोहर्ट वाइज भी बात करेंगे तो वी आर वेल प्लेस्ड विच टेक केयर ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो आर यू एक्साइटेड? यस वी आर एक्साइटेड। सो लेट्स अनवील द प्रोडक्ट। So we have launched a product called Elevate. It's a power of infinite personalization. Personalization का मतलब ये हुआ कि जितनी भी possibility है, जितना each and every individual के अलग-अलग जरूरतों को हम ध्यान में रख करके policy बना सकते हैं। और interesting चीज़ यदि आपने notice किया होगा, it's powered by AI. So what AI plays the role? मतलब उसका क्या काम है यहाँ पे? So इतने सारे customer हैं। हर तरीके का कस्टमर के रिक्वायरमेंट अलग है तो इतनी सारी जजमेंट कैसे ले पाएगी कि कौन से कस्टमर को एग्जैक्टली क्या चाहिए, अदरवाइज क्या बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। सो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एआई इस्तेमाल किया और वहां पे कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट है बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, यदि हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि कस्टमर की एज क्या है, कौन से एरिया से बिलोंग करता है, कौन सी सिटी से, कौन से पिन कोड से बिलोंग करता है, वहां पे किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम उसको प्लान सजेस्ट कर पाते हैं आज के डेट में। सो फीचर्स की बात करें कि अलग क्या है इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस वी ब्रिंग इन। सो फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री हमने एक बहुत बड़ा बैरियर ब्रेक किया है। वी हैव लॉन्च अ कंसेप्ट कॉल्ड इनफाइनाइट केयर। इनफाइनाइट केयर मीन्स मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करूंगा, जब भी इंश्योरेंस की बात होती है तो किस चीज की बात होती है? सम इंश्योर्ड। वेरी राइट। तो इंश्योरेंस का स्टार्ट ही होता है इस चीज से कि सम इंश्योर्ड कितना है, करेक्ट? सो अब सम इंश्योर्ड है इसका मतलब कि सीलिंग है, राइट और रॉन्ग? राइट। सो देयर इज अ सीलिंग। यहां पे हमने क्या किया, इनफाइनाइट क्लेम मतलब जितना आएगा उतना मिलेगा, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ दी आपका सम इंश्योर्ड कितना भी रहने। तो 10 लाख की भी पॉलिसी है और आपका क्लेम 50 लाख आए, 1 करोड़ आए, 5 करोड़ आए, वो मिलेगा। तो हमने वो एक पॉलिसी लाइफ टाइम में एक बार कस्टमर को वो फीचर्स
अवेल कर सकता है और उसके मतलब उसके डिसीजन के रिस्पॉन्स मतलब डिसीजन का जो अथॉरिटी है वो कस्टमर के हाथ में। कस्टमर जब भी बोलेगा ना कि मुझे ये इंफिनिट गियर का फीचर्स इस्तेमाल करना है वो कर सकता है। सो लाइफ टाइम में एक बार कस्टमर इस फीचर को इस्तेमाल कर सकता है। ये अभी आप सोच करके देखिए इंश्योरेंस का मतलब क्या है। इंश्योरेंस का मतलब है पीस ऑफ माइंड, राइट। यदि ये फीचर्स किसी कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट में लिया उसको पता है कि खुदा ना करता कभी कुछ भी ऐसा मेजर इलनेस आ गया जिसमें मेरे को मुझे नहीं पता कि आज कितना क्लेम आ जाएगा, ठीक है, बट मेरे पास ऐसी पॉलिसी है विच विल टेक केयर मेरी माय रिक्वायरमेंट। सो अमेजिंग फीचर से जो मतलब अगेन इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम लेकर के आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पूरा जो थॉट प्रोसेस है वो एक ही चीज पे है फोकस हमारा, वो है कस्टमर को ध्यान में रखते क्या। सो ऐसे लोम्बार्ड का प्रोडक्ट लेने का मतलब है कि ये आपने अपना यू हैव परचेज अ पीस ऑफ माइंड। दूसरा जब क्लेम की बात आती है मतलब जो पॉलिसी की बात होती है तो दूसरा चीजें कॉमन से निकल के आता है कि भाई बोनस कितना मिलेगा, राइट। होते ना यदि क्लेम नहीं लिया तो क्या बोनस मिलेगा। सब जब भी इंश्योरेंस की बात होती है जैसे मोटर में हो तो नो क्लेम बोनस होता है, हेल्थ में भी बोनस होता है, तो हमने इसमें भी ना एक बैरियर ब्रेक किया। अभी तक क्या होता था कि 20% से बढ़ता था नो क्लेम बोनस, 100% तक जाता था, कई सारे 2x लेके आए 3x लेकर के आए। हमने यहां पे वो भी बैरियर रखा दिया, सो दैट इज ऑल्सो अनलिमिटेड। जितने साल तक वो पॉलिसी रिन्यू होती रहेगी वो सम इंश्योर्ड उतने सम इंश्योर्ड से बढ़ता जाएगा, जिसका कोई लिमिट नहीं है। सो 10 लाख की पॉलिसी किसी ने कस्टमर ने लिया तो 10 साल के बाद वो 1 करोड़ की हो जाएगी, 20 साल के बाद वो 2 करोड़ की हो जाएगी। आप इसको ना दूसरे एंगल से समझना चाहेंगे तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आज से 10 साल पीछे जाएंगे तो 5 लाख की पॉलिसी बहुत बड़ा सम इंश्योर्ड माना जाता था, ठीक है। आज के डेट में हमारा मेजॉरिटी जो पॉलिसी बिकती है वो 10 लाख और ऊपर की बिकती है, तो आने वाले 20 साल में या 10 साल में क्या यह 10 लाख काफी रह जाएगा। सो उस प्रॉब्लम को ध्यान में रख करके हमने एक फीचर लेकर के आए कि चाहे वो इन्फ्लेशन जितनी तेजी से बढ़े, कॉस्ट जितनी तेजी से बढ़े, आपकी पॉलिसी इतनी काबिल है, इतनी कैपेबल है कि वो आने वाले कई सालों के प्रॉब्लम्स को आपको दूर करती है और आपका सम इंश्योर्ड बढ़ता ही जाएगा। सो आगे चल करके 10 साल के बाद आपको रियलाइज हुआ यार 10 लाख की पॉलिसी तो अभी इनफ नहीं है, लेट्स गो बैक अगेन इनटू द मार्केट और बाय सम एडिशनल सम इंश्योर्ड पॉलिसी। तो उस समय तक पता चला कि कस्टमर को तो कोई ऑलरेडी बीमारी हो गई है तो कोई पॉलिसी मिलेगा नहीं, या मिलेगा तो बहुत ज्यादा प्राइस पे मिलेगा, तो वो एक प्रॉब्लम है उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। इंटरेस्टिंग लगा इसमें कुछ? इट लुक्स सो मैजिकल। ओ ग्रेट, आपने बहुत अच्छे से क्लू पकड़ा है, इसका मैजिक कर दे। और अगेन जो पूरा थॉट प्रोसेस रिकॉग्नाइजिंग दिस शिफ्ट, ICICI Lombard इज harnessing द पावर ऑफ AI to innovate and improve customer experiences by introducing Innovate, Power of Infinite Personalization, a revolutionary product that offers infinite customization choices powered by AI, ensuring each policy is perfectly tailored to individual needs. This AI engine will suggest the ideal and most appropriate solutions for policy cover based on your customer personas. All you have to do is follow these simple steps. Enter your details. Number of adults in the family. Number of children in the family. Date of birth. Gender. Sum insured you're looking for. PIN code. Add some more details. Get a personalized AI-driven recommendation. And out of the infinite possibilities,
This AI engine will give you the three best recommendations. Elevate your life with ICICI Lombard's Elevate, the power of infinite personalization, and let the AI do the magic. Elevate.